भगा बेल दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नागौरी बेल में। बहुत ही प्यारा जो बच्चा है वो है, दिखाएंगे आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरत जो नागौरी बेल का बच्चा है वो है। बहुत ही इसकी सुंदरता जो है वो दिखते ही बनती है दोस्तों। कहाँ से हो भाई? हरियाणा। हरियाणा से? ये बेल आप ही लाए? ना भाई, नागौर से, यही नागौर का ही है। हाँ। प्योर नागौर का, प्योर और नागौरी बेल है। प्योर नागौर, नागौरी। जरा ये हटाइए ना, ये हटाइए जरा। तो ये क्या उम्र होगी भाई साहब इसकी? 8 महीने हुआ है। 8 महीने ही हुआ? तो ये 8 महीने का है तो यही पालते हो इसको? हाँ, यही। जो प्योर जो नागौरी बेल होना चाहिए वही है? हाँ, यही है, यही है। फरडोद का है, फरडोद गांव का, जैल तहसील। जैल तहसील इसका ही यहाँ का है, मतलब ब्रीड जो है नागौरी, जो प्योर नागौर का ही। तो देख रहे हो दोस्तों, नागौर का जो प्योर है, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है भाई साहब? जरा उधर लेके बताइए, जरा उधर ले लीजिए जरा। प्योर की जो पहचान है वो क्या क्या होती है? एक तो अच्छा होता है, कलर का, कलर। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सामने सामने सामने, जो भी जो है इसके बारे में अच्छे से डिटेल देना चाहिए वो इधर आ जाइए। नागौरी बेल की जो क्या पहचान है ओरिजिनल, आ जाइए, आप भी बता रहे थे। आ जाओ ना चाचा, जिसको भी जो जिसको भी जो ज्ञान है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाए जी। जी चाचा, कमली कौन हुए? कमली इधर आइए, एक एक चीज चीज बताइए। कमली, ये कमली बोलते हैं इसको जी? जी, थुई होता है, ये ऊपर वाली। हाँ, एक एक चीज बताइए। कान छोटे और तीखे होते हैं ना जी? और घोड़ी की तरह होता है? घोड़ी की तरह, घोड़ी की तरह होता है। अच्छा, और क्या चीज? घोड़ी दौड़ता जैसे वाला होता है, ये भी छोटा होता है। पेशाब करने वाला? बिल्कुल भी। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ये देखो, वो जो पूंछ होती है ना लारे पीछे वाली, पतली होता है। एक एक चीज बताइए, ये हो गई नाल वाली बात। अब अपन चलेंगे पूंछ की तरफ जी। पूंछ की क्या बता रहे थे? बिल्कुल जैसे अभी इसकी है, और टंटी के है ना, ये जो टंटी होती है ना, टंटी होते है बहुत तगड़ी, ऊपर ऊपर होती है ये थोड़ा सा ऊपर होता है ये वाला जी। ये और होता है नागौरी बेल की, ये नागौरी बेल की बेल का पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या खासियत है? और तेर में एक नंबर आता है, दौड़ में फास्ट आता है ये, फास्ट। और काम करने की क्या क्षमता होती है और बेल से? जैसे इंडिया के कोने कोने के बेल है, लेकिन नागौरी बेल ही फेमस है। एमपी वाले यहाँ से खरीद के जाएंगे, पंजाब वाले यहाँ से खरीदेंगे। तो क्या कारण है कि ये नागौरी बेल शौक के लिए? शौक के लिए। दूसरा और भी बताते हैं कि ये फुर्तीला होता है अदर बेलों के कारण, जैसे बहुत फुर्ती होता है, जैसे रेस में पहले नंबर पे, पहले नंबर में रेस में। और काम करने की जो स्पीड है वो बता रहे हैं कि जो अदर बेल है, जो इंडिया के कोने कोने के बेल है, वो बहुत कम टाइम में, उनके आधे टाइम में जो पूरे दिन एक घंटा में करते थे। अच्छा, इतना फर्क है, आधे दिन का फर्क है, मतलब इसकी काम करने की क्षमता में, इसीलिए नागौरी बेल प्रसिद्ध है। मैं राजस्थान से हूँ। और कुछ कहना चाहोगे? अभी इसके बारे में बात करेंगे अपन, इसके बारे में क्या बात जो खासियत थी जो तो बता। तो चाचा, आप ही का है क्या ये? इतना प्यार से आपको जो ये, मतलब आप प्यार दिखा रहे हो इसके प्रति, तो छोटा सा पाला है ये? फिर छोटा घर से ही पहला पैदा हुआ? खुद की गाय का है? खुद की गाय का। आपकी घर पे है इसकी माँ? इसकी माँ घर पे है। तो चाचा, बेचना चाहोगे इसको? क्या कीमत में बेचोगे इसको? बेचना चाहते हैं क्या कीमत? 1,00,000 रुपए लगता है इसका। 1,00,000 रुपए भाई साहब ज्यादा नहीं है? 1,00,000 रुपए
अब कोई ज्यादा है तो कम है तो वाजिब बताओ। देखो बैल अभी 1 लाख रुपए का, पूरे मेले में मैंने देखा कि 1 लाख रुपए का आप ही ज्यादा कीमत बता रहे हो। नहीं है ना, और भी 1 लाख रुपए के क्यों है, 1.5 लाख रुपए के हमारे गांव के हैं, नारादरा बनाने के 1.5 लाख रुपए के बंदे हैं, लाख लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए हमारे चीज के पैसे लगते हैं ऐसे। तो नागौरी बैल लेने जो बहुत प्रसिद्ध होता है, सब चीज में प्रसिद्ध होता है। अच्छा अच्छा, तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। 97 जी, 83 जी, 35 जी, 36 जी, 24। बेचना चाहोगे वही कीमत उसी टाइम हो जाएगी ना, कोई फिक्स नहीं है ना कीमत? नहीं नहीं नहीं, फिक्स नहीं है। जैसे कोई खरीदना चाहेगा वो करने के लिए लेना चाहेगा तो उसमें दो चाप मतलब 5 रुपए दबा देना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो हर साल पालते हो क्या आप? हर साल मतलब एक आध बेल लेके आते हो, तो क्या कीमत में फोर सेल हो जाता होगा? ये कीमत में हो जाता है 70,000 हो जाता है, 70,000-80,000 होता है प्योर में जो रहेगा उसकी ही कीमत है बस। तो कहाँ कहाँ से खरीदार आ जाते हैं, आपने इतनी उम्र पे बेचा है? पंजाब से, एमपी से और मेरठ से, यूपी वाले भी है, महाराष्ट्र से, सब आते हैं, सब आते हैं। ये और अच्छा, आपने पाला है? क्या नाम है आपका? हाँ जी, कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, थोड़ा इधर आओ। कब से पाल रहे हो आप इसको? 8 महीने अच्छा, क्या नाम? 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का, आपकी क्या उम्र है कृष्णा? 12 साल है। तो आप मतलब ये अब इसको फोर सेल करने जा रहे, बेचने जा रहे? हाँ, पता आपको? हाँ, ये तो दुख है, कल आप ही लेके आए हो। हाँ, तो बिछड़ जाएगा यार आपका दोस्त तो। नहीं, और है ना वापस, और भी है। एक से छोटा है, इसका भाई है ना। अच्छा अच्छा, पास में छोटा वाला, ये वाला। बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं यार आपके तो। इसका ये जरा ये हटाओ जरा ये, क्योंकि बहुत अच्छे बैल है। ये 3 बैल है आपके, इसकी क्या कीमत करोगे भाईजान? इसका 30,000। 30,000? अच्छा, ये थोड़ा ब्रीड में नहीं है ना, ब्रीड में भी नहीं है उसका, तो वो एक सांड की तरह दिखाई दे। जैसा माल है वैसी कीमत है इसके, 70,000। और ये वाला भाईजान? ये 20,000 रुपए। ये कमजोर सा अनब्रीड है, ब्रीड तो वही है ना भाई? वही है ब्रीड, वही है लेकिन कमजोर है। कमजोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या जो है राजस्थान में पालने का अपने क्या दिक्कतें आती है? यहाँ चारे वारे की दिक्कतें आती है क्योंकि यहाँ थोड़ा सूखा कम है, सूखा कम ज्यादा है, तो क्या दिक्कतें आती है जरा आप हमारे जो व्यूवर्स है उनको जरा बताइए, क्योंकि प्रसिद्ध तो यहाँ के है बेल लेकिन खाने की वजह से या किसी न किसी किसी न किसी कारण से ये बैल अनहेल्दी हो रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि जो पंजाब वाले लेके आ रहे हैं वापस फोर सेल के लिए, तो वो बैल एक अलग ही चमक हो गई उनमें। तो क्या यहाँ क्या कमियाँ हैं? खान पान का अलग है, पंजाब का खान पान अलग है ना, इसी वजह से। और यहाँ चारे की थोड़ी कमी है, सूखा है, सूखा चारा है, वहाँ थोड़ा गीला चारा है। ऐसा जो है बहुत सारे कारण है कि यहाँ बैल तो प्रसिद्ध है यहाँ के लेकिन संख्या भी यहाँ ज्यादा है, कुछ न कुछ चारे की गड़बड़ी है, जरा वो नहीं मिल पाता टाइम पे, क्योंकि ये तो यहाँ की मेन ब्रीड, अगर यहाँ इनको सूखा मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही काम चल जाएगा। क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कोई नहर वगैरह राजस्थान में आए और यहाँ का सूखा है वो मतलब? हाँ, ये प्रॉब्लम है। चलो हम और दिखाते हैं तुम्हारे को।